मैं अब नेक्स्ट उस पर बढ़ रहा हूँ जिसपे बात थी टाइम टू अबॉलिश सेक्शन 124A सेडिशन लॉ। सीधे सीधे ये हो रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई इसका मिसयूज हो रहा है, इसको चेंज करो, ये अंग्रेजों के का बनाया हुआ लॉ था इत्यादि इत्यादि। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अशोक अरोड़ा साहब के पास चल रहे हैं। अशोक अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में वकालत तो करते ही हैं लेकिन ह्यूमन राइट्स के मामले पे भी, आम आदमी की आवाज़ पे भी इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और मैं आग्रह करूंगा अशोक भाई साहब कि आप पहले इस सेडिशन लॉ का थोड़ा लोगों को एक एक पर्सपेक्टिव दे दीजिए। थैंक यू अनंत साहब, मेरे को हिंदी में ज्यादा बात करनी है कि मिक्स कर सकता हूं कि कैसे आप? नहीं, अगर आप हिंदी प्राइमरली हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी को भी कर लेंगे तो ठीक है। अपना एक गेस्ट जो है फसीला कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, तो शी विल बी ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो फॉर हर कंजम्पशन आल्सो हम लोग को अंग्रेजी हिंदी थोड़ा मिक्स रखना होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका अनंत साहब। ये बहुत बहुत मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया अब कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ यहाँ हुआ है हिंदुस्तान में आपके सामने है। सेडिशन लॉ बना था उस टाइम जब अंग्रेज चाहते थे कि महात्मा गांधी, तिलक और ये मौलाना आज़ाद, ये सब इनके खिलाफ मत बोलें जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो सही मायने में तो अंग्रेजों का कानून था भारतीयों के खिलाफ जो आज़ादी की बात करते थे, जो आज़ादी से किसी भी तरह का संबंध रखते थे, इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 75 साल बाद भी, 75 साल बाद हमारे होने वाले हैं और 75 साल की तैयारियां चल रही हैं आज़ादी की, लेकिन आज़ादी कहाँ पर है? आप देखिए 62 में केदारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेट की है उसी पे लगना चाहिए कानून, उन्होंने सेटिसाइड तो नहीं किया लेकिन ये बात पक्की कह दी कि जहाँ वायलेंस हो, जहाँ वायलेंस इंसाइट की जाए, इतना आई मीन दिस इज ए वन लाइन लॉ आई से वायलेंस और समबडी इज इंसाइटिंग वायलेंस जस्ट बाई एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अगर आप 124 लगा देते हैं तो इट इज अ वेरी आई से इट इज शेम ऑन डेमोक्रेसी। और सबसे ज्यादा 96% ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली हैव हैपेंड आफ्टर 2014। आप सोचिए। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, यही तो शर्म की बात है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए शर्म की बात है ये। आफ्टर 2014 आजादी से आज तक में जो कि जितने भी केसेस हुए हैं, मोर देन 96% ऑफ द केसेस वर रजिस्टर्ड आफ्टर 2014। और वो जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें एट 2014, ये एक और शर्म की बात है इनके लिए, एट 2014 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार खत्म हुई तो अब वी वर एट नंबर 27 इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, टुडे वी आर 53। हमारे पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ खत्म हो गई है। वो स्वीडन की जो एक एजेंसी है उसने भी कहा इट इज पार्शली डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में पूरी आजादी नहीं है, है ही नहीं। आजादी कैसे गिनेंगे आप अगर जिसको मर्जी उठा के आप सेडिशन लॉ में बंद करते हो, देशद्रोह में बंद कर देते हो। और 70% केसेस आप देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, मोर देन 70% केसेस देर इज नो चार्जशीट, क्योंकि किसी को भी उठा के बंद करना तो बड़ा आसान है, कोर्ट भी कहती है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन बाद में आपने चार्जशीट ही फाइल नहीं की। कन्हैया इज लिविंग एग्जाम्पल, कन्हैया की पता नहीं कभी कितनी देर जाके बाद में अभी हुई है, वो पूरी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। एक स्टूडेंट का, जो एक स्टूडेंट था, इंकलाबी था, देश की बात करता था, आपने उसको उठा के कुछ भी स्टेटमेंट इधर उधर मैनिपुलेट करके उसको बंद कर दिया। वो तो अच्छा हुआ, चलो कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी रहे, वो तो कन्हैया को सूट कर गया, कन्हैया हीरो बन गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी के बस का कहाँ है? आम आदमी तो जेल में सड़ता है और सरकार भाषण देती है 15 अगस्त को वहां से कि किसको हक है भाषण देने का अगर देश में आजादी नहीं है, तो वो 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहरा सकते। अगर देश में ये हालत है तो आपको झंडा फहराने का हक नहीं है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट।
पहले देश में आजादी चाहिए, और इतना डिसअफेक्शन मतलब नफरत की भावना, आप किसी भी बात पे कह दो नफरत की भावना, कितना वेग सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात करी, कितने आर्टिकल्स, कितने, और वर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश ने खत्म कर दिया अपने यहाँ कानून। आप ये देखिए, इंग्लैंड में ये कानून नहीं है, अब जिन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया था देश के जो उनके हिसाब से देश की फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते थे। आम आदमी के लिए आम कानून काफी होता है, आपने यूएपीए बनाया या कुछ और टेररिस्ट एक्ट बनाया, उसमें भी खामी है, वो दूसरी बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक कहते हैं ना, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है, जिसको मर्जी उठा के बंद कर दो। तो मेरी राय में ये टोटल ड्रेकोनियन है, आई मीन इट शुड बी टोटली एबॉलिश, टोटली खत्म करना चाहिए इसको, लॉ को। और अगर ये नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, आफ्टर ऑल देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार कम से कम ये कह दिया कि भैया इसकी क्या जरूरत है, आप हमें बताओ तो सही। तो अटॉर्नी जनरल ने तब भी कहा कि नहीं नहीं हम अच्छा गाइडलाइंस देते हैं, एंड सरकार की तरफ से बोला जी हम ऐसा कुछ आप रिप्लाई फाइल करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं कैसा ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसको खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल आजादी को खत्म करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अगर अपनी बात ही नहीं कर सकता हूँ तो मेरे लिए किस बात की आजादी है कि किसको भी उठा के ये बंद कर देंगे। और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ जो भी ऑफिसर बंद करता है वो करते तो माई बाप के कहने पे है, लेकिन जो भी करता है एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कहाँ है आपके पास एविडेंस, कोर्ट को पूछना चाहिए। और कम से कम कोर्ट्स को मैं समझता हूँ इतना तो करना ही चाहिए कि जो भी उनके सामने पेश होता है खट से उसको बेल दे दें, खट से बेल दें उसको। कम से कम लोगों को, आप देख रहे हो कि 75 साल से कैसे ज्यादतियां हो रही हैं, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। ये बेइंसाफी कोर्ट भी करती है, आई एम वेरी क्लियर, बहुत बार कोर्ट बेइंसाफी करती है जब उसको अंदर रखती है किसी भी अक्यूज को। इसमें द मोमेंट दे कम आप बोलिए ओके यू आर ग्रांटेड बेल, करो जी इन्वेस्टिगेशन, जो मर्जी करने दो। अब मजिस्ट्रेट तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, सेक्शन को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट बेल क्यों नहीं दे सकते? फट से बेल देनी चाहिए, ये लीजिए बेल दी, जाइए करिए इन्वेस्टिगेशन कर, तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो कोर्ट्स ऑल्सो आर समटाइम इनसेंसिटिव एंड दे शर्क फ्रॉम देयर ड्यूटी By not granting bail in cases where bail should be granted. अशोक साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। अब तक आपने सुप्रिया को भी सुन लिया, आपने फसीला को भी सुन लिया। जब किसी यंग को, यंगस्टर को सुनते हैं तो आपके अपना भी थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती है। एक चीज मैं जरा अशोक साहब आपसे और समझना चाहूंगा कि ये आजकल सेडिशन, देश के अगेंस्ट, राष्ट्र की छवि खराब की, ये सब पे भी सेडिशन चार्जेस लग रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो पेगासस का यूज हुआ है अपने देशवासियों के ऊपर, उसका यूज करना किस श्रेणी में आएगा? क्योंकि इट हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट आवर ओन कंट्रीमैन। तो ये आपको शायद याद होगा निक्सन कांड का, आपको पता होगा, यू रिमेंबर निक्सन, वॉटरगेट। This is exactly same. It is on same wicket. If today, I am part of it. Today democracy is not strong in India. Supriya has said that. मैंने आपको वो तीनों instances बताया, Sweden का भी और US का भी और अभी जो index आया है. So you are no more a democracy. जिस देश में आप ये देखिए 50% more than 50% women are anemic. Millions go to bed empty stomach. Millions, they don't have access to health and primary education. तो सरकार कहाँ की डेमोक्रेसी है? वो उस टाइम बोल दिया प्यासा में उसने 10 साल, मतलब ओनली 10 ईयर्स, विदिन 10 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ही सेड जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये बाजार, गलियां दिखाओ, जिन्हें ताज है इंद पर वो कहाँ है? आप पूछिए ये रहबरों से, आज पूछिए ना, जो निक्सन हो गया आज यहाँ निक्सन क्यों नहीं हो रहा? इस बात पे सरकार क्यों नहीं गिरी? इस बात पे सरकार गिरनी चाहिए थी, सरकार को रिजाइन करना चाहिए था। तो ना उनमें शर्म है और ना ही लोगों में ताकत है, आई एम सॉरी टू से। वो जो उस टाइम विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, इट वुड गो टू स्काउंड्रल्स, इट एक्चुअली वेंट टू स्काउंड्रल्स, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन स्काउंड्रल्स। डेमोक्रेसी जो अभी फजीला बात कर रही थी, सुप्रिया, यंग बच्चियों को उठा उठा के आप सेडिशन में बंद कर रहे हैं।
यंग बच्चा जिसका ब्राइट करियर है कि उसको कन्हैया को उठा के आपने बंद कर दिया टुकड़े टुकड़े, जो मर्जी बोल दो, मैं तभी कह रहा हूं आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ऑन सेम पेज ऑन दिस, द कोर्ट शुड बी प्रोएक्टिव, कोर्ट शुड इमीडिएटली ग्रांट बेल, द मोमेंट इट इज ब्रॉट इट इज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, देन आई मस्ट से द कोर्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। जिसने जिम्मेवारी ली है देश को आजाद रखने की, ओथ लेते हैं आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ओथ लेते हैं कहां जाती है ओथ, जब सामने पेश होता है, एक थानेदार को पूछ नहीं सकते कैसे बंद कर दिया तुमने, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ एक थानेदार बंद लेके आ जाता है और मजिस्ट्रेट उसको चुपचाप रिमांड कर देता है, तो कहां जा रहे हैं हम? ये जो आप बता रहे हो ये सारी टेप रिकॉर्डिंग और ये कहां, डेमोक्रेसी है ही नहीं, देयर इज नो डेमोक्रेसी, लेट द पार्लियामेंट समन मी, I'll tell them all 75 years you have kept everybody gulam. यहाँ सब गुलाम है, जो जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ, कलम जिसके पास है बिका हुआ है, जुबान जिसके पास है कटी हुई है, ये 5-7-10 लोग सरफिर है, मैं सुप्रिया फजीला कुछ लोग बस बोलते हैं बोलते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है, आप ये देखिए ना कहाँ बोलते हैं लोग, बोलते ही नहीं है लोग, वो सभी वो हर माँ यही कहती है भगत सिंह पैदा तो हो मेरे पड़ोसी के घर में हो, मेरे बेटे की तो नौकरी लग जाए और इसको अच्छी बीवी मिल जाए, टीचर हो तो और भी अच्छा है, सुबह जाएगी दोपहर को आ जाएगी, बच्चे पैदा करे बस अपना चुपचाप शांत रहो और मंदिर चले जाओ गुरुद्वारे चले जाओ चर्च चले जाओ और बच्चे के बर्थडे पे 500 रुपए का गरीबों को खाना खिला दो, बस हो गया मेरा काम। फार्मर सर बैठा है, आप किस डेमोक्रेसी की बात करें आनंद साहब, 8 महीने से फार्मर्स आर सिटिंग ऑन रोड, वो उस टाइम लिखा कभी इकबाल ने, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो, वो इकबाल ही नहीं है, इकबाल को अप्रिशिएट करने वाले नहीं है, इकबाल को पढ़, आज बच्चे पूछते नहीं है माँ से, आज बच्चे माँ से नहीं पूछते हैं रोटी खाने से पहले कि अम्मी फार्मर तो उस पे बैठा है मेरे को रोटी कैसे दे रही हो, मैं रोटी कैसे खा लूं, मैं पिज्जा कैसे खा लूं, मैं बर्गर कैसे खा लूं, बच्चा पूछता ही नहीं है, ये सारा सिस्टम ने बना दिया है। वो जो कह रहे थे ना रोजगार, सबको रोजगार एक्चुअली इन्होंने दे दिया है, वो कवि अच्छा कहता है सबको रोजगार दे दिया, व्हाट्सएप पे सबकी 2 उंगलियां बिल्कुल मस्त रहती हैं, सारा दिन व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप, तो सारा हिंदुस्तान व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहा है और व्हाट्सएप में भी 95% कचरा है, आप देखिए 2-3% काम की मतलब की बात आती है मुश्किल से, मैं तो उन ग्रुप्स की कर रहा हूं जो लिटरेट ग्रुप्स हैं, इफ आई एम मेंबर ऑफ से 100 ग्रुप्स उसमें से अगर मैसेज आते हैं तो नॉट इवन 2% मैसेजेस आर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ये सारी रिपोर्ट्स जो फजीला ने पढ़ी, सुप्रिया ने, मैंने पढ़ी, आई थिंक वी आर ऑल ऑन सेम पेज, ये रिपोर्ट्स नींद क्यों नहीं उड़ाती हैं? मैंने तो दावे से कहा कि अगर ये हाल है तो किसी का राइट नहीं है लाल किले से झंडा फहराने का, लेट देम संबंध में मैं बताऊंगा, डेमोक्रेसी है ही नहीं जब तक हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, मैं तब सुप्रिया आपके पास आ रहा हूं। मैं अशोक साहब आपसे एक प्रश्न और पूछ लूं, क्योंकि आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और एक खतरा आपको नहीं है वो कोर्ट ओर्ट का, हम लोगों को थोड़ा वो भी आपकी आवाज आपको 10 साल का था, मेरी माँ ने बता दिया था मेरे को कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद, उस वाणी में पैदा हुआ हूँ, वो वाणी पढ़ी जाती थी गुरबानी, नहीं मैं मरने से डर नहीं लगता है ना ही अशोक साहब मैं ये पूछ रहा था का बात, गद्दार ये है जिन्होंने डेमोक्रेसी खत्म कर रखी है, गद्दार वो बच्ची नहीं है जो पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, वो गद्दार है जो आम आदमी को बंद करता है, वो गद्दार है, वो पुलिस वाला भी, वो कोर्ट भी और वो एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो नजायज आदमी को बंद करता है वो गद्दार है, ये मैं कहता हूं, चाहे वो पुलिस मैन है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, उसको गद्दार कहेंगे, मैं गद्दार नहीं कहेंगे जो 21 साल की बच्ची जज्बा रखती है, आज आई एम सो हैप्पी टू सी फजीला जो जज्बा रखती है, बात कर रही है ना अपनी, चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं अशोक साहब मैं एक चीज मैं एक चीज और आपसे जरा समझना चाह रहा था और समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। भाई हम लोगों ने जो हिस्ट्री हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा उसमें भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है इट वॉज लेड बाई ऑलवेज वो आदमी वकालत जरूर पढ़ा हुआ था क्योंकि शायद उसको अंग्रेजी सरकार से लड़ना था
तो उसको ये समझ में आना चाहिए था कि क्या मेरे राइट्स हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए। मैं वो तिलक से लेके, गांधी से लेके और देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आप किसी का नाम ले लीजिए, एक मुश्किल ये, अच्छा और इसलिए था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे चलता है, ये हमारे राइट्स हैं। आज की तारीख में मतलब मुझे, मेरे वो मेरे एक मित्र हैं यहाँ बैठे हैं और उसको सुन भी रहे हैं, मुझे अफसोस होता है जब आप कहते हैं, मैंने कहा कि भाई जयशंकर साहब बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट अफसर हैं, कहीं कोई दो राय नहीं, वेरी कैपेबल, पर कोई भी जो लड़ाई होती है वो लड़ाई शुरू होती है खत्म फिनेंस फॉरेन मिनिस्ट्री की टेबल पे होती है, जो विदेश मंत्रालय है वो उस लड़ाई को समाप्त करवाता है। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हैवी वेट्स रहे हैं, और सारे प्राइम मिनिस्टर्स नेहरू से लेके विथ एन एक्सेप्शन ऑफ देवेगौड़ा ऑल दी प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल ऑफ देम। मैं इसको ठीक से पढ़ा हुआ हूं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक ब्यूरोक्रेट जिसने 38 साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका काम 38 साल तक वो दूसरे ढंग से था, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, ही वॉज नॉट अ लीडर। और आज जब आप किसी के सामने जाके बैठते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और तब आप जाके अगर बैठते थे तो आप उतने लोगों की वॉइस होते थे, वो आपकी हैसियत थी। आज हमारा जब फॉरेन मिनिस्टर जाता है, ही इज अ पॉलिटिकल लाइटवेट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हैं भी अभी, इन लोगों का कहना था नहीं, अगर मोदी जी ने किया तो कुछ सोच के अच्छा ही किया होगा। ये वही बात है कि मोदी जी ने अगर नोटबंदी की तो अच्छी की है, अरे भाई पूछ लो तो, अब ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कुछ अंदाज ही नहीं कि क्या कानून है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, अपने आप ही लिख दो, अपने आप चलाओ। बात जो मैंने उनकी बात सुनी थी कि मोदी जी हैं तो मोदी जी का अगर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, ये मोदी जी का पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मोदी जी की घर की दुकान नहीं है। मोदी जी इज नॉट ओनर ऑफ दिस नेशन। मोदी प्रधानमंत्री महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट, सो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय फर्स्ट सर्वेंट, ही इज नॉट द बॉस, ही इज नॉट द ओनर, ही इज अ ट्रस्टी। प्राइम मिनिस्टर एंड एवरी ब्यूरोक्रेट, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ आवर ट्रस्ट। इफ यू आर ट्रस्टी ऑफ आवर ट्रस्ट तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप किसी ऐसे मंत्री को जिसके खिलाफ 10 केस हैं, 20 केस हैं, उसको बना देते हो तो ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर आप किसी गलत आदमी को बनाते हो तो ये प्रेरोगेटिव नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। मैं कहता हूं अगर आप ऐसे आदमी को हम पे थोप देते हैं जिसको अकल नहीं है या जो काबिल नहीं है या जो देश की सोचता नहीं है, तो इसको मैं देशद्रोह कहूंगा। अगर कानून रखना है देशद्रोह का तो ऐसे लोगों के खिलाफ लगना चाहिए जो लोग देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों को सौंप देते हैं, ऐसे लोगों को थोप देते हैं जो काबिल नहीं है। आप नहीं कर सकते, यू आर ए ट्रस्टी, यू आर नॉट ओनर, यू आर ए ट्रस्टी। आप मालिक नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। इससे बेटर अब मैं सुप्रिया और फजीला बताएंगे। अशोक साहब, मैं लास्ट वर्ड आपसे सुनना चाहूंगा क्योंकि ये सुन के मन खराब होता है। एक सेकंड, मेरे को एक मिनट की बात कहनी है। जो सुप्रिया ने बात करी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा कपलेट है, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो। उसमें एक शेर आता है कि न करते शोर शराबा तो और क्या करते, हमारे शहर में कोई और काम काज भी हो। ये एक्चुअली शायर ने लिखा था उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ करने को नहीं है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। उनके पास और कोई काम है ही नहीं। आप एम्प्लॉयमेंट पे फेल करें, इकोनॉमी में फेल करें, लॉ एंड ऑर्डर में फेल करें, वीमेन प्रोटेक्शन में फेल करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस में फेल करें, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी में फेल करें, तो वो क्या करें? वो आपको लड़वाएंगे, वो मंदिर बनवाएंगे और वो जासूसी करवाएंगे। तो जो वो कहते थे ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, वो पूरा सरकार पे लगता है, वो बच्चों पे नहीं लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये देशद्रोह तो सरकार के कुछ वो उन लोगों पे, अगर आप जुडिशरी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जासूसी करवा रहे हो और फिर उनसे कहते हो आप मंदिर बनवा दो, तो ये सारी लड़ाई के काम कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे।
देश तोड़ने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग तो इन पे लगना चाहिए, जो लोग ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग ऐसी पॉलिसी अप्रूव करते हैं और जो लोग ऐसी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करते हैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। मैं एक एक करने को तो यही करेंगे और क्या करेंगे, लड़ाई कराएंगे। एक अ वेरी क्विक आंसर, क्योंकि वो मेरे जहन में था और कुछ लोगों ने सुबह भी बोला था, शायद एक कवायद हो रही है जो सिटीजन से सब्जेक्ट बनाने की, नागरिक से प्रजा बनाने का एक एक सिलसिला चल रहा है कि भाई ये अब नागरिक नहीं रहोगे, तुम प्रजा हो। क्योंकि वो जो मुफ्त राशन, मुफ्त 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 टीका, मुफ्त राशन, मेरा राइट है भाई, इट इज माय राइट टू गेट फूड, लेकिन मुफ्त मुफ्त, तो वो शायद आपको लगता है कि वो कवायद उसी की है, मेकिंग अ नागरिक, मतलब प्रजा उसको बनाने की कवायद है, माइंडसेट ऐसा कर। हिटलर स्टाइल है ना, देखिए हिटलर का क्या स्टाइल था, सेम स्टाइल है, लोगों को बिल्कुल इतना डिपेंडेंट कर दो कि लोग आवाज ही ना उठाए, टोटल डिपेंडेंट कर दो, और जो इंटेलेक्चुअल है वो भी सूडो इंटेलेक्चुअल है, 99% इंटेलेक्चुअल्स आर सूडो इंटेलेक्चुअल्स, विच द विवेकानंद डिस्क्राइब्ड एज पैरासाइट्स। ही सेज दोज़ हु डू नॉट थिंक ऑफ द पर्सन नॉट गेटिंग वन स्क्वायर मील डे इज ए पैरासाइट। तो कहां आजादी, किस आजादी की बात कर रहे हैं आप, है ही नहीं, आजादी नहीं है सब, यहाँ तो वैसे गुलाम है और यहाँ कोई जहनी गुलाम है। अच्छा, तो फिर से बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, थोड़ा अपना भी जिसको कहते हैं कि हिम्मत आ जाती है। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।